पिंटू गरीबी, स्लम और गुंडों के बीच बड़ा हुआ लड़का है। राउडिज्म में नाम और पैसे कमाने का सपना है इस लड़के का। खून करके जेल जाना और बाहर आकर हवा मेंटेन करने का सोचा है इसने। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, और कितने दिन? इसका नाम गौरीश है। ये एक अमीर बिजनेसमैन है। इन्हें एक डाउट है कि इनकी बीवी इन्हें धोखा दे रही है, इसीलिए उस पर नजर रखने के लिए पिंटू को पैसे देकर उसके पीछे लगा रखा है। मुझे मेरी बीवी पर डाउट है। तुझे हर रोज उसे फॉलो करना होगा। कहां जाती है, क्या करती है, ये सारी डिटेल्स तुम्हें मुझे देना होगा। और ऐसे छपरी की तरह मत जा, हमारी अच्छी सोसाइटी है। अच्छे ड्रेस में जाना, ठीक है ना? आज शाम तक मैं घर में रहूंगा, शाम के बाद आना। थैंक यू सर। आरती, इसके दिल में जो दिया जल रहा है वो आज रात किसी की जिंदगी के अंधकार को मिटा देगा या फिर सीधा इसकी जिंदगी को जला देगा। आज रात को इसकी जिंदगी में जो घटना होने वाली है उसकी गवाह वो खुद है। वही गुनहगार है और वही बेकसूर भी। यह है अल्ताफ। इनका एक लौता बेटा देशद्रोहियों की बात सुनकर घर छोड़कर चला गया। अल्ताफ की उम्र हो चुकी है, फिर भी वो ईमानदारी से ड्राइविंग करते हैं। यही इनकी जिंदगी का रास्ता है। आ, सुहाना। हेलो। खाना खा लिया? कहाँ हो आप, घर आ रहे हो क्या? नहीं नहीं, आज लेट होगा। हाँ, ये बताओ, अम्मी जान से बात कर ली ना तुमने? हाँ, मैंने बात कर लिया है। हाँ। आप होशियार रहना और खाना खा लेना। हाँ, ठीक है, रखो, ड्यूटी पर हूँ। राघवी, कल सुबह लड़के वाले इसे देखने आने वाले हैं, जबकि इसे ये शादी पसंद नहीं है। करण इसका एक लवर है, उसी लड़के से मिलने के लिए ये बेंगलुरु जा रही है। खाली रास्ता के लिए लड़की देखती है, कुछ काम बन जाएगा। Excuse me, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेंगलुरु। बेंगलुरु में कहाँ? बेंगलुरु में अपने घर पे। ठीक है, चलो। मैडम, मेरी शादी हो चुकी है। ए पागल, चलना, तुम्हारी बीबी को मैं दीदी बोलूंगी। अच्छा, अपना डील दिखाना। क्या मैडम? देखो, मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है। हाथों में लकड़ी पकड़ने तक, आंखों में चश्मा लगाने तक मैं जीना चाहती हूँ। सबूत तो चाहिए ना, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथों में रख रही हूँ। दिखाओ ना। मरते समय लोग मेरा ही नाम लेते हैं मैडम। वो लोग अब जिंदा है क्या? अरे सीरियस हो गए तो कैसे चलेगा, अभी तो हम दोनों को बहुत सारे सुख दुख बांटने हैं। हाँ, सही कहा मैडम आपने। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज वन एंड ओनली पांडू। ओह पांडू। मेरा नाम नहीं पूछोगे? राघवी। मैं क्या करती हूँ नहीं पूछोगे? क्या करती हो? लोगों को गुड न्यूज सुनाती हूँ। वाओ। गुड न्यूज मतलब आप पापा बनने वाले हैं। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। आपकी बीवी को लड़का पैदा हुआ है। ओह माय गॉड, आप दोबारा पापा बनने वाले हैं। मतलब आप नर्स हो क्या?
सॉरी दर्द हुआ? नहीं, आपके लिए एडजस्ट कर लूंगा, डोंट वरी। ज्यादा मत सोचो, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर। इसके माँ बाप के हिसाब से ये कल लड़की देखने जाने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके भाग्य में शनि देव बैठे हुए हैं और अब ये उन्हीं की कृपा से कनाडा जा रहा है। कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है? चल बे। जितना बोला उतना कर, नहीं तो ज्यादा प्यार आने पर सीधा ऊपर वाले के पास भेज दूंगा तुझे। हम जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुन, चुपचाप जहां बोल रहे हैं वहां गाड़ी लेकर चल। चला रे गाड़ी, साला चल। चल मैडम। वहां पर जो सोया है ना उसे मत उठाना, बेचारा बहुत ही थकने के बाद सोया है मैडम। सर सर सर, आप इतने टेंशन में क्यों हैं सर? अरे मेरा फ्रेंड भी शुरू में भी बिल्कुल आपकी तरह है, हमेशा पागलों की तरह हरकत करता है। अबे मुंह बंद कर, चुपचाप गाड़ी चला।
सॉरी सर, आपने बोलते समय जो गैप लिया था ना, तो मैंने उसे कुछ और समझा सर। सही समझा आपने। सॉरी। कोई बात और नहीं। देखो, दोबारा किसी फ्रेंड के बारे में ऐसा बोला ना, तो वो शब्द मैं पूरा कर दूंगा। सारे फ्रेंड मर गए सर। मुझे रोना आ रहा है, ऐसा कहूंगा तो आप मानोगे? रोना आ रहा है सर? टेंशन मत लीजिए, 10 मिनट के लिए रो लीजिए सर। रोने के बाद मन को शांति और नाक भी साफ हो जाएगी सर। अगर बच्चों की तरह रोना है तो तुम दोनों गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी साइड में लगाना प्लीज। ओके मैडम। Excuse me. मैं कनाडा जा रहा हूँ, जॉब मिला है मुझे। पता था सर, कंफर्म हो गया है सर, आप अपने मम्मी डैडी को मिस करोगे, इसीलिए दुख में रो रहे हो सर। मुझे ऐसा नहीं लगता, लगता है आप दिल जले हैं। आपको कैसे पता चला? जलने के बाद स्मेल तो आती ही है ना। तुम्हारी दाढ़ी देख के गेस किया, देखने में तो टिश्यू पेपर की तरह हो, यूज करके फेंक दिया। उससे दूर जाने के लिए ही मैंने इस जॉब को हाँ कहा है। मुझे लगा था ये कुछ अलग साउंड था सर। सुन के समझने की आदत नहीं है, दिल शांत हो गया हो तो बताओ, मैं सुन लूंगी। थोड़ा जोर से बोलना प्लीज, मुझे भी सुनना है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा नसीब अच्छा था कि आप मुझे मिल गए, नहीं तो आज रात मुझे मैजेस्टिक में ही सोना पड़ता। क्या करती मैं, कमीने लोग, एक ऑटो भी नहीं रोक रहे थे। बेंगलोर के बारे में मैंने सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। हॉरिबल, हे भगवान, रात के 1 बज चुके हैं, अकेली लड़की हाथ दिखा रही है, गाड़ी रोकना चाहिए ऐसा सोचा ही नहीं। किसी को भी जरा सा दया नहीं आती क्या यहाँ पे? मैडम, यहाँ पर सब लोग ऐप यूज करते हैं, ओला या उबर बुक करके जाते हैं। मतलब बिना ऐप के बैंगलोर आना बहुत बड़ा पाप है क्या? ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बैंगलोर में, ऐसा वेलकम किया है मेरा। पिक करने आने वाले फ्रेंड ने कहा कि धोबी घाट पे आके कॉल करना मुझे। यहाँ के लोग भी अजीब है, अपना पूरा एड्रेस भी नहीं देते हैं। यहाँ पे आके कॉल करना, वहाँ पर आके कॉल करना, ऐसा कहते रहते। हमारे गांव में आप आ रहे हो ऐसा कह दिया तो आपके आने से 2 घंटे पहले बस स्टॉप पे इंतजार करते हैं हमारे लोग। और ये है बैंगलोर के लोग, जहाँ सिर्फ इंतजार ही कराते रहते हैं। मैडम, धोबी घाट आ गया है, अपने फ्रेंड को कॉल कर लो। अच्छा। क्या हुआ जी? मेरी फ्रेंड का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, तो आप क्या करोगी? यहाँ नजदीक में कोई अच्छा लॉज है तो वहाँ छोड़ दोगे मुझे? लॉज तो बहुत सारे हैं, अच्छा कौन सा है मुझे नहीं पता। अरे प्लीज ऐसा मत बोलो। ठीक है, अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो मेरे घर रुक जाओ, सुबह होते ही चली जाना। ठीक है फिर। कोई दूसरा ऑप्शन है?
चलिए फिर। ये कमीना आ गया है, इसकी आज खैर नहीं। यही है क्या? क्या है? क्यों भाई, तुमको आज ही लेकर आना था क्या? ऐथू, ऐसा कुछ नहीं है। बेचारी लड़की बैंगलोर में नहीं है, पिक करने गया था और वो फंस गई। उसे मनाने में मुझे एक महीना लगा है। अब वो क्या बोलेगी पता नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक घंटे के बाद आ जाओ। अच्छा आधा घंटा बाद, प्लीज। तू कल लेकर आ, उसका कल एंगेजमेंट है। कमीना कहेगा। अरे अंदर आओ जल्दी। हाँ आता हूँ आता हूँ। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, वो एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐसा लगता है। एक काम कीजिए, आप भी चलिए। और आप? मैं भी आपके साथ आती हूँ। वैसे भी मैं बैंगलोर को पूरी तरह से नहीं देखी हूँ, तो मुझे घुमाओ फिर, जो भी भाड़ा होगा वो मैं तुम्हें पे कर दूंगी। चलो फिर बैंगलोर देखते हैं। बैंगलोर के रास्तों पे आज हम घूम ही लेते हैं। ठीक है। वाओ। सुबह क्या करते हो? कॉलेज। वाह, दैट्स नाइस। क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक्चुअली मैं घर से उतना अमीर नहीं हूँ, इसलिए ये पार्ट टाइम है। वाह, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। और आप? मैंने कंप्यूटर साइंस किया है सिमोक दिल्ली से। ओके। कैंपस सिलेक्शन में जॉब मिला है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ओके ओके। मुझे तो, मैं बात करता हूँ। हेलो। हेलो, तुम कैसी फ्रेंड हो? बेचारी बैंगलोर में अभी नहीं है। गलती मेरी नहीं है, कल वो आ रही थी इसलिए कार लेकर मैं निकली थी। ऑटो पकड़ के मैं आ जाऊंगी ऐसा उसने कहा। अरे ये शिमोंग नहीं है, बेंगलुरु है, वहीं रहना ऐसा उसने मुझे कहा। मैं क्या डरती हूँ, ऐसा उसने क्यों कहा? बाय बोलकर फोन बंद कर दिया उसने। सुबह 5 बजे कॉल किया है उसने, पूरी रात सोए बिना कॉल कर रही हूँ उसे, पता नहीं क्या। ओ, मतलब मैडम ने झूठ बोलकर मुझे पूरी रात घुमाया। प्लीज गलत मत समझना, कभी कभी दिमाग सही नहीं रहता, तभी मैं ऐसा बर्ताव करती हूँ। एनीवे, थैंक यू, बाय। मुझे उसकी बातें और उन बातों में रहने वाला भोलापन बहुत पसंद आया।
उस रात को वो गाड़ी से तो उतरी लेकिन मेरे दिल से नहीं उतर पाई। वो मेरे दिल में बस गई है। वो इत्तेफाक था या नसीब, ये बस भगवान को ही पता है। लेकिन बार बार किसी से मिलना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ऐसा लगा मुझे। हेलो, हाय, आप यहाँ? ड्यूटी। ओके, आओ छोड़ देता हूँ, भाड़ा कम दे देना। मैं अभी ड्यूटी पर आया हूँ और पहली बोनी आप हो। अच्छा, ऐसी बात है। ऐसा है तो आज अच्छा कलेक्शन होगा। मेरा कदम बहुत शुभ है, ऐसा सब कहते हैं। देखते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रही थी? मैंने बताया था ना, जॉब मिला। हाँ। मेरा ऑफिस यही है। ओके। काम खत्म करके अभी घर जा रही थी। नाइस नाइस। वैसे आप कौन से सेमेस्टर में हो? लास्ट सेमेस्टर। ओके। रोज ऐसे ही टाइम पे आप मिला करोगे तो आई विल बी सो हैप्पी। कर गई हैं। हेलो मैडम, आपका बुक। उसकी याद और मेरी नींद ने अच्छा खेल खेला। उससे मिलने का मन किया लेकिन सीधे नहीं, उस बुक के जरिए। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। उस बुक पर लिखे नंबर पर अजनबी बनकर मैसेज किया।
और ऐसे ही वो दिन भी आ गया। मैसेज करने वाला लड़का मैं ही हूँ, ऐसा बोलकर दिल की बात बताने चला था। तुम Hello? कैसे हो? मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। वैसे तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। ठीक है, जयनगर की तरफ चलो, बताती हूँ। बुक मेरे कार में भूली थी, ये उसे याद भी नहीं था, इसीलिए मेरे इस लुका छुपी के खेल पर उसे डाउट भी नहीं हुआ। हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं। मेरा भी। मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा भी फर्स्ट टाइम। ये लड़का लड़की के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पेस और टाइम की जरूरत होती है। हाँ। और शादी, बच्चों के बारे में क्या सोचती हो? बच्चे जल्दी हो जाएंगे तो लाइफ को ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अरविंद का सोच भी ऐसा रहा तो कितना अच्छा होगा ना? अरविंद नहीं, भुवन। तुम भुवन हो, वो तो अरविंद है। वो कौन है? यू हैव अ बॉयफ्रेंड? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो फिर मुझे पसंद करना, रोज चैट करना, ये बुक देना। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक मेरा नहीं है, और ये तुम्हारे ही कार में रखा हुआ था और जिसे मैंने सिर्फ वापस कर दिया बस। ये नंबर तो मेरा नहीं है। तो मैंने इतने दिन चैट किया, वो मैं नहीं थी। ऑलरेडी मेरे दिल में पहले से कोई और है, यही बताने के लिए तुम्हारे पास मैं आई थी। तुम्हें कौन मैसेज कर रहा था उसका पता लगाओ। किसे पता, वो मेरे से भी ज्यादा सुंदर हो सकती है। ऑल द बेस्ट, बाय। अगर वो लड़की सुंदर नहीं हुई तो वो तुम्हारा नसीब होगा। उस लड़के ने तुम्हें ना कर दिया तो? अब वो मेरा नसीब होगा, तब देखते हैं। यस, हफ्ते तक इंतजार करता हूँ, बाद में उसे मिलूंगा। एक हफ्ता नहीं, दो हफ्ता नहीं, तीन हफ्ता नहीं, चार हफ्तों तक मैंने इंतजार किया, वैष्णवी मिली ही नहीं। तब मुझे जल्दबाजी ही नहीं थी, बाद में मैसेज आना भी बंद हो गया। जाने दो सर, आज के जमाने में गवर्नमेंट जॉब का मिलना और प्यार का मिलना बहुत ही मुश्किल है सर। आपकी वाइफ किसी के साथ कार में बैठकर बाहर गई। उसका पीछा कर। सर, आप जो पैसे दे रहे हो उसमें फ्लावर का हार नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा उसका पीछा कर, स्टूपिड। ठीक है, पहले इंग्लिश सीखना होगा, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल बन पाऊंगा। अरे स्टार्ट हो गया। गेस्ट हाउस है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा।
ये क्या मजाक है हाँ माँ। ए, मैंने कहा ना तुम वापस आओ। माँ आपको अच्छा लड़का चाहिए ना, आपकी बेटी भी अच्छा लड़का ढूंढ रही है। मेरे पास एक लड़का है। सुबह लड़की वाले आने वाले हैं, वो तुझे पूरी जिंदगी प्यार करेगा, इस बात का क्या गारंटी है। माँ पापा से जब शादी हुई थी तो आपको क्या गारंटी मिली थी, आप किसी और से प्यार करते थे फिर भी पापा से ही शादी हुई ना। माँ आपको क्या लगता है, मुझे ये बात पता नहीं है। टॉपिक चेंज मत कर, तू घर आएगी कि नहीं पहले नहीं आऊंगी, पुलिस कंप्लेन करूंगी। फिर जाओ कर लेना, पुलिस वाले तुम्हारा भला करें। मैं ना घर छोड़ के भाग रही हूँ। लगेज के साथ? क्यों भाग रही हूँ नहीं पूछोगे क्या? बोलो। I'm in love। कल शादी के बाद जब मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगी मैं। आपके लाइफ में भी एक राजकुमार है क्या? राजकुमार नहीं है लेकिन एक लड़का है। तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो तुम कनाडा जा रहे हो ना, लेकिन वो मुझे धोखा देके अमेरिका चला गया। मतलब उसके लिए मुझसे ज्यादा उसका करियर इम्पोर्टेंट है। 2 साल के लिए दूर रहना होगा बोल रहा है। मैं कैसे रहूंगी तुम्हें बताओ। इस देश में काम नहीं मिलता क्या? हाँ, हाँ सही कहा तुमने। तो तुम क्यों जा रहे हो? मेरा मकसद कुछ और है। अरे इस देश में अगर काम मिलता है तो लड़कियाँ भी मिलती हैं। मेरे लवर के पास दिमाग नहीं था इसलिए चला गया। तुम्हारे पास भी दिमाग नहीं है? वैसे नाम क्या है? किसका? मेरा? तुम्हारा नहीं, उस लड़की का। वैष्णवी। हाँ, एक लड़की आई कार में बैठी ही करके हंस रही थी और तुमने लव सोच लिया है ना। क्या यार अब कब तक रोगे तुम उस लड़की के लिए? जिंदगी बचाने वाले दवा में भी एक्सपायरी डेट होते हैं। और क्या, ज्यादा करोगे तो अमृत भी जहर बन जाता है भाई। हमने तो सोचा अगर वही हो जाए तो फिर मंदिरों में ताला लग जाएगा सर। पूरे टाइम को पुरानी यादों में खर्च करोगे तो कैसे चलेगा? मान लो कि टाइम सही नहीं है। टाइम सही नहीं है तो घड़ी बदल सकते हैं क्या? वैसा करते हैं तो अपने हिसाब से भी तो सही नहीं करते है ना। एक्चुअली उसने तुम्हें प्यार किया ही नहीं था, गलती तुम्हारी है। उसे दोष क्यों दे रहे हो तुम? गलती आपकी है सर, बिल्कुल आपकी गलती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? गुड बॉय की तरह स्माइल करो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब तुम अपना नाम बताओगे या मैं भैया कह के बुलाऊं? मैडम उसे बुलाना हो तो बुलाओ, लेकिन मैडम मुझे पांडु भैया चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। वो भैया कह के बुलाओ बोल रहा हाँ, था हाँ, हाँ। भुवन राघवी एक सेल्फी तो बनती है ना हम दोनों की फ्रेंडशिप की याद में। अंदर रख रहे सामान क्या रख? सही से रख, सही से वहां रख। इरफान उसे फोन दे। ये लो। अपनी बीबी को कॉल कर। तू रात भर घर नहीं आए इस बात से डर कर तेरी बीबी पुलिस के पास गई तो बिना मतलब का रिस्क हो जाएगा। अल्ताफ इतना सब होने के बाद भी तेरी बीबी को क्या कहना है ये मुझे नहीं बताना पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। चल तू बात कर। हेलो। हेलो सुहाना। कितनी बार मैंने कहा है कि रात को ड्यूटी मत करो। मैं बेंगलुरु के बाहर जा रहा हूँ, मैं कल आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, घर पर ध्यान रखना। हाँ ठीक है जल्दी। तो चल निकाल गाड़ी। चलो हेलो। अरे भाई कहाँ है तू? क्या बे ज्यादा चढ़ गई है क्या? बता के तो आया था। पता है यार कनाडा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन साथ में लड़की को लेकर जा रहा है पता नहीं है।
लड़की को लेकर? हाँ, तुम्हारे फेसबुक पर मैं वो फोटो टैग कर दूंगा, ध्यान रखना। अरे हाँ, बाजू में बैठकर इतना सारा पब्लिसिटी। गुस्सा आया ना? हाँ, अरे विदाउट माय परमिशन मेरा फोटो फेसबुक में डालकर वो भी अपने बॉयफ्रेंड को दिखाकर ऐसे जलाओगी तो मैं तुम्हें किस भी कर सकता हूँ। हेलो, तुमने मुझे किस किया इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ, बता के किस करते, क्योंकि आज मैं ब्रश करना भूल गई थी। हाँ, इतनी जल्दी में थी कि ब्रश ही नहीं किया मैंने। अभी सेल्फी लेकर कुल्फी की तरफ बांट दिया मैडम आपने तो। मैं अपने मम्मी पापा को कैसे बताऊं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, लड़कों की तरह दाढ़ी मुझ थोड़ी ना आएगा मुझे। आता है ना। ए, क्या बोलने वाले हो, मैं समझ गई हूँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैडम बहुत मुश्किल से एक ही है मैडम। एक बच्चे के बाप हो, शर्म नहीं आती? थू। देखो मैडम, आप बड़ी हो गई है ये दिखाने के लिए गांव के बुजुर्गों को बुलाकर फंक्शन करवाइए, वो सब छोड़कर मेरा फोटो क्यों डाला? देखो मुझे गुस्सा आया ना। तो क्या करोगे? उठाकर फेंक दूंगा। हाँ? वो मैं आपको आराम से बिठाऊंगा, ऐसा कह रहा था। हेलो, मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे घर वाले यही वो लवर है सोच कर पुलिस वालों को फोटो दिखाया तो मेरा क्या होगा? ना खाया ना पिया, बिल तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। एज ए डॉक्टर कह रही हूँ, अगर तुम्हें गुस्सा आए ना तो गाल पे दो किस देना। ये सब छोड़ के टेंशन क्यों ले रहे हो, बीपी बढ़ जाएगा तुम्हारा। बीपी बढ़ जाएगा फिर दिमाग पर असर होगा, डॉक्टर बोलेंगे कि दिमाग ही निकालना पड़ेगा, है ना मैडम? ओ अरे फोन उठाओ ना, दिल पे हाथ रख के कहो, इस दुनिया में प्यार के सिवा कुछ नहीं होता। हेलो। क्या गुरु, मैंने सोचा कि तुम मेरे पीछे ना पड़ो, इसलिए गलती से मैंने बोल दिया था कि मेरे से अच्छी लड़की मिलेगी तुम्हें, और तुम? आपको कैसे पता चला इतनी अच्छी लड़की मिलेगी, ऐसा नहीं सोचा था ना। कोई सिद्धू है, शायद तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा, उसने फेसबुक पे मुझे टैग किया था, शायद मुझे जलन हो इसलिए उसने किया होगा ऐसा। तो फिर चड्डी दोस्त को ऐसा ही समझा क्या आपने? एक्चुअली मेरा ब्रेकअप हो गया है। व्हाट? दैट टाइम आई मिस्ड यू अ लॉट। अब तुम अभी एंगेज हो गए हो, नहीं तो? नो, एक्चुअली तुमने जो देखा सुना वो सब फेक न्यूज़ है। ओह सच्ची? तो मैं भी आ जाऊँ तुम्हारे पास, कहो क्या कहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पसंद किया लेकिन प्यार को छोड़ना तुम्हारी गलती थी। आंखें तुम्हें देखती है तो दिल इसे देखता है, प्यार में आंखों से ज्यादा दिल की बातों पर भरोसा करना चाहिए। ओ हेलो, ज्यादा स्कोप मत लो, मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं अभी हनीमून पे जा रही हूँ, ऑन द वे हूँ। झूठ क्यों बोला तुमने? वो बस ऐसे ही, लड़कियों की यही आदत है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। फिर भी वो फोटो देख के मुझे जेलस तो जरूर हुआ। ठीक है, तुम्हारा पति कहाँ है? वो मेडिकल शॉप पे गया है, वो आता ही होगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड आ गए, मैं फोन रखती हूँ। हेलो हेलो हेलो, थैंक्स, प्यार का होता है इसका परिचय कराने के लिए। कौन था? हाँ, क्लासमेट, कॉलेज में उसे बड़े भैया बोल के बुलाती थी। दूसरों की बातें छुपके नहीं सुनना चाहिए। हेलो, एक्चुअली वो तुम्हें कॉल नहीं करती, वो क्या है कि मैं तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, वो जेलस फील करके तुम्हें कॉल कर रही है। जाने दो सच है या झूठ, उसने कहा कि वो आएगी तो तुमने मना क्यों किया, मुझ पे नजर है। देखो देखो देखो, डांटना नहीं मुझे, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, मैं रोने लगूंगी। ओके, बेंगलुरु पहुंचने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप कहीं पर भी जाओ, मुझे जेल जाना पसंद नहीं है। जेल जाना किसे पसंद है, कोई सासू माँ का घर थोड़े ही है। नहीं, मामा का घर है। हाँ? वो आ गए। कौन? आपके मामा। आप में चोर पसंद करके ही तुम्हारे साथ। अरे गलत मत समझो, बोलने दो ना मुझे। चाहो तो इसे दूसरा या तीसरा पति बना लो लेकिन मुझे बख्श दो प्लीज। मुझे भी अपना दादा समझ लेना, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा प्लीज।
मेरा नाम यहाँ है, पढ़ लो। एसएस कांचा, अच्छा है, अच्छा है। मेरा फ्रेंड। शनिवार और रविवार मैं लंच और रिश्वत दोनों नहीं लेता। अगर कुछ देना ही है तो थोड़ा नीचे से दो। जय हो पुलिस वाले की। एक गलती से गिरा, ये मेरा पैर पड़ रहा है। सर बस एक पूंछ की कमी थी। एग्जैक्टली, मंदिर की तरह दिखते हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं सर। हनुमान जी, हनुमान जी। सर भगवान के अलावा मुझे खाकी पर डर और भक्ति है सर। हाँ सर, भगवान के बाद सबसे ज्यादा दक्षिणा आप ही लेते हो ना सर। आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है सर। सर आपको छोड़ना है ना, घर पे तो नहीं, शमशान तक छोड़ दूंगा आपको। आइए। मुंह से निकल रहा है सर। चलो रे। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। सही क्या है और गलत क्या है वो पाक अल्लाह बताता है। अधर्म कर रहे हो और धर्म का नाम ले रहे हो। अगर ज्यादा बोला ना तो उम्र कम पड़ जाएगी। नहीं, तुम्हारे पाप का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। तुम लोगों की वजह से पूरी दुनिया में लोग मुस्लिम से नफरत करते हैं। नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? पुलिस के हवाले कर दूंगा, नहीं तो मार डालो मुझे। तुम लोग मौत का खेल मुझसे ही शुरू करो। ये सुधरेगा नहीं। अली को फोन लगा। हेलो अली। ये ले। हेलो। हेलो। हेलो अल्ताफ। सुहाना। कौन है ये सब? आपका एक्सीडेंट हुआ है ये कह के मुझे यहाँ पे डरा के बंद कर रखा है। आप कहाँ हैं? सुहाना तुम चिंता मत करो। देखो दे रहे, जब तक तू हमारी बात सुनेगा तेरी बीवी सेफ रहेगी, समझा? नहीं तो मौत की शुरुआत तुझसे नहीं, तेरी बीवी से करूंगा। चलो। क्या बेटी, हेलमेट पहन कर बैठी हो? वो क्या है ना सर, बाइक से गिरूं या कार से, चोट तो सर पे ही लगती है ना। वैसे लाइफ में रिस्क लेने की आदत नहीं है। मारो मत सर, दर्द होता है सर। कौन सा गांव है? अरलेसवारा सर। कौन सा घर है? कोलीबाड़ा रामचंद्र अप्पा। फॉरेस्ट ऑफिसर रामचंद्रा? हाँ। वो मेरा दोस्त है, मुझसे 20 साल पहले मिला था। उसका नंबर दे बेटी। वो क्या अरे सर? दे दो मैडम, रिश्वत थोड़ी मांग रहे हैं, फोन नंबर ही तो मांग रहे हैं। गोविंदा हरी गोविंदा गोविंदा। 9986502 6763। थैंक यू, तुम्हारे डैडी को मैं कॉल करूंगा। सर मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए क्या? नाइट में आपको मैसेज कर दूंगा। तुम्हारे डैडी को मैं अभी कॉल करता हूँ, सरप्राइज दूंगा, ठीक है ना? मोस्टली योर डैड मैट। सॉरी सर। बाय बाय। बाय सर। मुझे क्या करना होगा? काम बहुत सिंपल है, हमें ये वेपन्स अपने लड़कों तक पहुंचाना है। बीच में अगर पुलिस वालों ने पकड़ा तो बोलना कि ये वेपन्स तुम्हारे हैं, हम तो बेकसूर पैसेंजर्स हैं। अबे सुन, हम जो बोल रहे हैं वो करेगा तो तेरी बीवी की सांस नहीं रुकेगी। अल्ताफ,
हम अभी कहाँ जा रहे हैं पता है? तेरी बीबी जहाँ है उस जगह पर, वेपन्स का इंतजार करने वाले हमारे लड़कों के यहाँ। इस बार बेंगलुरु में दिवाली हम मनाएंगे, वो भी इन बंदूक के सहारे। अल्ताफ, अल्ताफ। तेरी बीवी का फोन नंबर हमारे पास कैसे आया? ये तो सोचा ही होगा, जब तूने अपनी बीवी को कॉल किया था तभी वो नंबर हमारे इरफान ने लड़कों को फॉरवर्ड किया था। उन्होंने तेरी बीवी को कॉल करके तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ऐसा झूठ बोल करके उसे मना कर उठा ले गए। कौन सा गांव है? अलेश्वरा सर। कौन सा घर? कोलीबाड़ा, रामचंद्रा अप्पा। फॉरेस्ट ऑफिसर रामचंद्रा? राघवी। गजलक्ष्मी? हाँ। वन सेकंड, तुम्हारी कुंडली मेरे हाथ में है। रामचंद्र की बेटी गजलक्ष्मी, MBBS, वर्किंग इन बेंगलुरु, करेक्ट है ना? हाँ, मैं ही हूँ। डू यू नो, तुम्हारी माँ जिस लड़के के बारे में कह रही थी वो मैं ही हूँ। क्या? भगवान जी बिना क्या खेलते हैं, मैंने करेक्ट डिसीजन लिया है। व्हाट? ऐसा मत कहो। इसका मतलब उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको अपने बारे में पता चल गया। हाँ? तो बायोडाटा के साथ फोटो भेजा वो किसका था? वो तो मेरी माँ का था, जब वो जवान थी ना तो ऐसी थी। हाँ? कोई भी लड़का देखेगा तो रिजेक्ट कर देगा, ऐसा फोटोजेनिक फेस है मेरी माँ का। वो तो तुम अपना फोटो भेजती तो भी हो जाता। What? जाने दो, तुम्हारे बायोडाटा में भी किसी और का ही फोटो था। वो मेरे डैडी का था, तुम्हारी माँ की तरह रिजेक्ट होने वाला फेस। अली भाई, आपकी मम्मी जान की हालत ठीक नहीं है। भाई, मेरे को पैसा चाहिए। इस समय माँ बाप, भाई बहन, इन सब के बारे में नहीं सोचने का। तू अल्लाह का काम कर रहा है, तू जन्नत में जाएगा। तेरी माँ की रक्षा वो अल्लाह ही करेगा। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे को मेरी अम्मी जान चाहिए, मेरे लिए मेरी माँ इंपॉर्टेंट है। ए, उस पे एक नजर रखना, उसे ठीक से देखना। रोको मत, जाते रहो। मुश्किल के वक्त में खुदा का सहारा होता है। सर, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? सर, मेरी कार खराब हो गई है। आइए सर। थैंक यू सर। सर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आसपास कोई मैकेनिक है क्या? देख कर आता हूँ। कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी सर, नसीब से आप आ गए। शांति मिली सर, चिंता खत्म हो गई। हाँ, वैसे
कहां तक जाएंगे आप? बेंगलुरु। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा आगे ड्रॉप कर देंगे तो आगे ही मेरा घर है। अच्छा है, पेट के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? आप जो कर रहे हो वो अगर आपकी बीवी करती तो आप क्या करते? हेलो संध्या, कहाँ हो तुम? मेरी स्कूल की फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, आप घर आ रहे हो क्या? नहीं। ओके बाय। कमीनी मुझसे झूठ बोल रही है। सबूत मिलने का इंतजार है। वैसे कैसी कैसी लड़कियां आकर गईं, लेकिन एक दिन का 1,00,000 रुपया, वो भी रास्ते वाली को, एक फूल बेचने वाली को, थोड़ा ज्यादा नहीं लगता तुम्हें? कीमत चाहे जितनी हो, पसंद आने वाली चीज को छोड़ता नहीं। रास्ते पर रुकने वाले सारे अपनी शादी ऊपर कर लेंगे, ये सोचना गलती है सर। आपने कीमत मेरे खूबसूरती पर नहीं दिया है, अपने काम के लिए दिया है। एक फूल बेचने वाली मैं आपके पैसे से नहीं पिघली, इस बात का ईगो हर्ट हुआ है, इसलिए आप अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आए हो। वाओ, अच्छी बात करती हो तुम। आपके जितना नहीं बोला मैंने, आपसे कम ही बोला है। तुमने कुछ पूछा था ना? आप जो काम कर रहे हो अगर वो आपकी बीवी करते तो आप क्या करते? मैं क्या करता? देखना, सर उसके बाहर आते ही मार दो। लड़के ने किया तो गलती, लड़की ने किया तो जान से मार देंगे, है ना? मैं एक मर्द हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत करके कमाए पैसों से कुछ भी करूँगा। आप जो पैसा एक महीने में कमाते हो वो मैं एक दिन में कमाती हूँ। आफ्टर ऑल फूल बेचने वाली मैं 1,00,000 रुपए कमाती हूँ, तो अगर तुम्हारी बीवी चाहे तो कितना कमा सकती है? चुप कर, मैंने तुझे सुख देने के लिए पैसे दिए हैं, लेक्चर देने के लिए नहीं। क्यों सर, आप पैसे देकर पैंट खोलोगे तो गलत नहीं है, पैसों के लिए लड़की ने साड़ी ऊपर कर दी तो गलत है। मेरी बीवी किसी और के साथ घूम रही थी, इस बात का डाउट है। आप किसी और के साथ नहीं घूम रहे हैं क्या? मार डालूंगा। मुझे? नहीं, उसे। सबूत मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। जिसमें इंसानियत ही नहीं है उसे सबूत की क्या जरूरत, मार दो। ठीक है, अगर उसने गलती किया है, ये बात अगर सच भी हुआ तो आप क्या कर रहे हो पुण्य? तू पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, ज्यादा जुबान मत चला, जो देना है देकर, जो लेना है लेकर चलती बन, समझी? मैडम, आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है। क्यों? एसआई आपके पिताजी को कॉल करेंगे। आप भागे हो ये बात पता चल जाएगी। एसआई तो पीछा करते हुए आएगा ही ना। आएंगे नहीं, वो देखो आ गए। फास्ट चलो यार।
नहीं, अगर मैंने अभी कोई गलत फैसला लिया तो ये मेरी बीवी को मार डालेंगे। ए मूर्ति सर, जल्दी आकर गाड़ी चेक करो, जल्दी आओ। इंस्पेक्टर। अरे सर, जाने दो भाई, चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, चेक कर लो। अरे अरे, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? डिपार्टमेंट में बेस्ट ऑफिसर के नाम पर हम आपका नाम ही लेते हैं। अरे चलो चलो, आगे जाने दो, जाइए सर। सर अब आप जाइए, मेरा घर यहीं पास में ही है। थैंक यू सर। इसे जानते हो? कहीं देखा है इसे क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। अगर ये कहीं तुम्हें दिखे तो तुरंत हमें बताना, बहुत खतरनाक है ये। ओके सर, ओके। समझे ना? एक्चुअली मैं अपना कैब भूल गया था, वही लेने आया हूँ। ओके, बाय बाय, हैप्पी जर्नी। बाय। गाड़ी निकालो, इस इंसान को ढूंढना है। ऐसे ऐसे फोटो भेजकर जान खाते हैं। हे भगवान, पहले यहाँ से भागते हैं, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। हे गोविंदा। हो ही नहीं सकता। हाँ? वो तुम्हारे डैडी को कॉल करेंगे और दोबारा जरूर आएंगे, देख लेना। चांस ही नहीं है। क्यों? मैंने उन्हें अपना नंबर दिया है। मैंने तुम्हारे डैडी को कॉल किया था, वो फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। वो सर रात हो गई है ना, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मुझसे बात होगी तो मैं बता दूंगी सर। ओके, बाय बाय बाय। मैडम, भाग के जाने की सोचना भी नहीं, गन में सिर्फ दो ही बुलेट बचा है, समझी तुम? कौन है तू? लड़के वाला हूँ, नाम मेरा पिंटू है, सब लोग प्यार से पिंटिया ही बुलाते हैं। तू जो कोई भी हो, मुझे क्या करना है? कार से नीचे उतर। ओ, जहर? अब जहर क्यों पी रही हो? मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है, जी के भी क्या करूंगी। नाइस कॉमेडी। वो सपना पूरा करने के लिए मैं ही आया हूँ, इस बंदूक से। ए, तुझे पैसे चाहिए ना? ये ले, 1,00,000 से भी कहीं ज्यादा मिलेगा। मैडम, मैं भरता हुआ राउडी हूँ, मार्केट में इज्जत और बिजनेस में अपना ही नाम होना चाहिए, मतलब खून करना पड़ता है। अगर तू खून करके जेल गया तो आखिर उस पावनी का क्या होगा? कौन पावनी? मेरे बाजू के घर में रहने वाली पावनी। वो मेरी फ्रेंड है, तेरा रोज आकर वहां खड़ा होना, उसे देखकर स्माइल करना, सब कुछ मुझे पता है। रोज सब कुछ देखने के बाद मुझे अपडेट करती है वो, और वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है।
अच्छा, लेकिन तुझे वो मिले ये मुश्किल है, और उसके डैडी मिलिट्री ऑफिसर हैं। तेरे जैसे गुंडे को वो लड़की कभी नहीं देंगे। कौन है ये? कौन है ये? ये मेरे भैया हैं। आपको पैसे चाहिए ना? ये लो, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। इतना काफी नहीं है, ये ले, तेरी बीवी को कॉल कर। हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन मैं वहां उसके लिए आकर खड़ा नहीं होता था, आप पर नजर रखने आता था। What? मुझ पे? आपको उठाने की जो सुपारी मिली थी। किसने? किसने सुपारी दिया था? फोन कर। सॉरी फ्रेंड, तेरी बीवी मेरी बहन जैसी है, उसके साथ धोखा ना हो इसलिए मैंने तेरे बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। गलती कर दिया, एटलीस्ट उसे माफी तो मांगनी होगी। संध्या, प्लीज कॉल पिक करो। सर, मेरी संध्या के साथ क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया सर, बस आखिरी इच्छा पूछ रहा हूँ। उसे कुछ भी नहीं करना, उसे फोन दो उसे। डील देने वाली यही है, आपके पति। What? हेलो संध्या, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर देना। गौरीश, कहाँ हो तुम? पता नहीं, लेकिन आई एम किडनैप्ड। व्हाट? 5 लाख मांग रहे हैं। नहीं दिया तो मार देंगे, ऐसा कह रहे हैं। मैंने अभी का मैसेज अभी देखा, मेरी की हुई गलती की सजा मुझे मिल गई है। गौरीश, तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल गई है, पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं। डोंट वरी। पैसे रेडी होने के बाद कॉल करना, और अगर पुलिस के पास गई तो तेरा पति। आई नो, डोंट वरी। मैडम, क्या हो गया मैडम? किडनैप, मेरे पति को किसी ने किडनैप किया है, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब क्या करोगी? मेरे लिए पैसों से ज्यादा मेरे पति जरूरी हैं। वाओ, भारतीय नारी, सीता के बाद डायरेक्ट मैंने आप ही को देखा है मैडम। जिसने आपको मारने के लिए पैसे दिए, उन्हें बचाने के लिए आप पैसे दे रही हो। मुझे मारो मत, छोड़ दो। जाने दो, यह समाज ही सही नहीं है। अरे सर,
सर। सर, मैडम पैर के ऊपर ही सो गई। उनका लड़का भाग गया और तुम्हारी लड़की ने भी हाथ दे दिया। ये एक पागलपन है जिसमें आप दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ए पांडू, वो क्या है कि मैडम बहुत तेज हैं। अगर कुछ किया ना तो किडनी निकाल के हाथ में दे देंगे तुम्हारे। गाड़ी चलाओ, दिमाग नहीं। सॉरी सर, पहले लव का दर्द था, दूसरे लव का मुलायम है। सॉरी। इट्स ओके। हेलो। हेलो रामचंद्रा। राम प्रसाद। आप कौन बोल रही हो? मैं अर्पिता। यहाँ पे राम प्रसाद या विजय प्रकाश नाम का कोई नहीं रहता। आप अलरेश्वर से हो ना? अलरेश्वर? रॉन्ग नंबर। हैं? ए, किसे कॉल कर रहे हो तुम? वो भी इतनी रात को? मैं समझ नहीं रही हूँ क्या लड़कियों को इतनी रात को फोन करके टॉर्चर कर रहे हो। चलो फोन रखो, दोबारा मत करना। वैसे आपकी वॉइस बहुत ही हॉट एंड स्वीट है। आई लाइक इट, आई लाइक योर वॉइस। ये वापस यहाँ क्यों आया? क्या है? मैडम, मैं भी आप ही के साथ चलता हूँ। लेकिन क्यों? ओ, यही सोच रहे हो ना, बॉडी में दम नहीं है, गन में सिर्फ दो ही बुलेट हैं। नहीं मैडम, जो हुआ सो हुआ, मैं भी आप ही के साथ आऊंगा। मैडम, मैं अपनी जान देकर आपके पति को बचा लूंगा। अगर मैं जिंदा लौटा तो पावनी से बात करके हम दोनों को एक करने की जिम्मेदारी आपकी है मैडम। प्लीज ना मत कहना। हाथ जोड़ता हूँ मैडम। मेरे पति ने मुझे मारने के लिए तुम्हें सुपारी क्यों दी थी? डाउट मैडम, आपके पति को डाउट था आपका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, यही तो डाउट था। ओह, मैं कैफे में बैठकर किसी के साथ बात कर रही थी, ये देखकर तुम्हें कंफर्म हो गया? नहीं नहीं। तुम्हें पता है क्या, मेरे पति के ऑलरेडी 10-20 लड़कियों के साथ अफेयर है। मैं जिस इंसान से बात कर रही थी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरे पति का फ्रेंड है। मेरा पति जिन लड़कियों के साथ घूमता था उसका डिटेल्स वो मुझे देता था। वो इंडिया छोड़ के दुबई में सेटल होने वाला है। आखिरी बार मुझे मिल करके मेरे पति की सारी गलतियाँ उसने मुझे दिखाई। मैं भी आपको इस दुनिया से उठाने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे दुनिया क्या है ये समझा दिया। थैंक यू मैडम। मैडम, आपका पति उनके हाथों फंसा है, ये अच्छा ही हुआ है। कुछ लोगों को लात खाने के बाद ही अकल आती है। मैडम, आप क्यों ऐसी फीलिंग में हो? When I am here, why fear? दोबारा फोन कर रहा है, रुको अभी दिखाती हूँ। हेलो। हेलो। कौन? अरे इतनी जल्दी भूल गई, वही सेम क्यूट वॉइस। आप हैं? बताइए क्या बात है। लेकिन आपने कैसे गेस किया कि मैं हॉट और क्यूट बॉय हूँ? मैं ना वॉइस सुन के भविष्य बताती हूँ। तो मेरा भविष्य बताओ फिर। आप दिखने में जले हुए बैगन की तरह हो, लेकिन आपका दिल बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको देखते ही किसी का मन ऐसे क्यों करने का हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको अपनी बीवी के अलावा सारी लड़कियां सुंदर दिखती है ना?
और आपको खाकी कलर बहुत पसंद है। शायद आप हेड कांस्टेबल हैं। आपने जो कहा सब सही है, लेकिन मैं हेड कांस्टेबल नहीं हूँ, PSI हूँ। ओह माय गॉड, PSI? I like PSI। अच्छा? हाँ। वैसे आपको जल्दी ही प्रमोशन मिलने वाला है। सच में? हाँ। ओके ओके, अभी मैं बिजी हूँ। I'll catch you later। Bye, hot boy। हेलो, 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 हेलो। Shut। मैडम, मेरी एक बहन है। मेरे डैडी ने मेरी माँ के साथ घर नहीं बसाया, मजा करके चला गया, दो बच्चे देकर गायब हो गया, अनाथ छोड़ गया हम दोनों को। कमीना, अगर मुझे वो मिल जाता ना, तो उसके सीने पर बैठकर गन उसके मुंह के अंदर डाल के चला देता। ये सब कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सोच रही हो क्या मैडम? हमारे जैसे लड़के राउडिज्म में क्यों उतरते हैं, ये आपको पता भी तो चलना चाहिए। बस बेंगलुरु पहुंचने ही वाले हैं। सुबह होने के बाद सब अपने अपने रास्ते। एक सवाल पूछूं क्या? अगर मेरे डैडी की फोटो के जगह पर अपनी फोटो भेजता तो क्या करती तुम? तुम क्या फ्लर्ट कर रहे हो? हेलो, चाहिए तो दीदी बोल देता हूँ तुम्हें। हाँ। नहीं, एक्चुअली स्मार्ट लड़के मुझे दीदी कह के बुलाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मे बी तुम्हारे डैडी की फोटो की जगह अगर तुम्हारा फोटो होता तो शायद मैं पसंद कर लेती। नहीं, मुझे चुप नहीं बैठना चाहिए। Hey, क्या कर रहा है तू? ये कर क्या रहा तू? हाँ, गाड़ी रोकना। रोक, गाना चेंज कर। तू अगर गाड़ी नहीं रोकेगा तो मार डालोगे मेरी बीवी को ना? मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ को धोखा नहीं दूंगा मैं। मुझे खुद से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, धर्म से ज्यादा मेरा देश ही बड़ा है। मार डालो मेरी बीवी को। देख, तुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो समझाओ ना, मैं क्यों तुम्हारा साथ दूं?
फोन दो। फोन? लेकिन क्यों? फोन दो। वही पूछा, क्यों चाहिए? वीडियो बनाने के लिए। वीडियो? कैसा वीडियो? अगर तुम्हारा मकसद सही है तो आगे 4 मुस्लिम लोगों को भी भेजूंगा मैं। फोन दो मुझे। देखो, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे कौम के लोगों के लिए है। तुमने तो कहा था कि अल्लाह के लिए है। हाँ, अल्लाह की रक्षा करने के लिए। अच्छा, हमें पता था कि हमारी रक्षा अल्लाह करते हैं, उनकी रक्षा करने वाले भी लोग हैं, मुझे पता नहीं था। देख अल्ताफ, तू भी मुस्लिम है और हम भी मुस्लिम हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए तू ही बता। फितरत है इंसान की तोड़ना, न जोड़ना उसने सीखा है, कुदरत की नजरों से बचना खुद ही को दिया हुआ धोखा है, कयामत के अंजाम से बचता है वही खुदा का परिंदा है, शहादत के मातम पर हंसता है इंसान नहीं वो दरिंदा है। कट्टर मुस्लिम कहता है ना खुद को। अभी जो मैंने कहा वो कुरान के किस पन्ने पर है? वो अल्लाह की कसम वो 3rd पेज में है। ये कुरान के पन्नों में नहीं है। अगर अल्लाह का डर तुम में होता तो तुम उसकी झूठी कसम नहीं खाते। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जाने दो, बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे वो? आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सोचा है। वाह, तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए और दूसरे मुस्लिम बच्चे बंदूक हाथ में लेकर खूनी खेल खेलने चाहिए, हाँ? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं भाड़े के घर में रहता हूं। घर मालिक ने वास्तु पूजन करके होम हवन करने के बाद मुझे घर की चाबी दी थी। मेरी बीवी पूजा का सामान कपूर और फूल माला हनुमान जी के मंदिर के सामने बेचती है। इस देश में फूल फल चिकन मटन बेचने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं। सब धर्मों के लोग आकर खरीदते हैं, विश्वास के साथ खरीदते हैं। हम चांद को मानते हैं, वो चांद की पूजा करते हैं, हम ईद का चांद देखते हैं, वो लोग भी करवा चौथ का चांद देखते हैं। कितने हिंदू मंदिर बनने में मुस्लिम लोग काम करते हैं और कितने ही हिंदू मजदूर दरगाह और मस्जिद अपने हाथों से बनाते हैं, ये बात क्यों नहीं समझते? अगर तुम्हारी तरह सोचते तो हमारे देश में बिस्मिल्ला खान जैसा शहनाई बजाने वाला और अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट कभी नहीं दिखते। मतलब अभी क्या करने का सोचा है? जो अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने कहा है? मैं समझा नहीं। हे, हमें कुछ मत करना, गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोको ना। अभी तुम्हें खुदा के ऊपर भरोसा नहीं है क्या कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा? देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं अल्ताफ, गाड़ी रोक दो। उस समय तो तू बोल रहा था कि घर बार और बीवी बच्चों के बारे में बात नहीं करने का, हाँ? तुम जो काम कर रहे हो वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, इसीलिए उसने तुम्हें मेरी कार में बिठा दिया। अब मैं सच में अपने धर्म का पालन करूंगा।
ए, गाड़ी को लेफ्ट ले रहे? सॉरी सर, बेंगलुरु राइट में है सर। आपको लेफ्ट जाना है तो कोई दूसरी गाड़ी ले लो। एक बार बोलो तो समझ नहीं आता क्यों? ठीक है सर, ठीक है। चलते रहो। हेलो हेलो उस्मान, मैंने जो ट्रीटमेंट दी है उससे उस्मान की सांस बंद हो चुकी है। जो कहना है कह दे। तू कौन है? उस्मान कहाँ है? पहले बता तू कौन है। मैं कौन हूँ ये बताने से अच्छा तू अपने आप ही देख ले। इसे क्या हुआ? ये भाग क्यों रहा है? सुनो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जाने दो, अभी बात कुछ और ही है। आप रोज नींद में जो
खुद का कार होना चाहिए था। शादी होकर 3 साल हो गए हैं और आपका सपना भी सपने की तरह ही है। ये दर्द मैं कितने दिन देखूंगी, इसलिए मैंने फूल बेचकर थोड़े बहुत पैसे जमा कर रही थी, लेकिन वो कम पड़ेगा, इसलिए फैसले पर आई हूँ। फूल बेचते वक्त एक इंसान मुझे बुरी नजर से देखता था, उसके पास पैसे हैं और मेरे पास गरीबी। एक रात का 1 लाख रुपए वो दे रहा है, सिर्फ एक रात, ये शरीर मेरा नहीं है। ऐसा समझकर मैं उसके साथ जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। अब आपका सपना मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगी, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जानती हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी एक बार मुझे माफ कर देना। कालदा कन्नड़ी कर्म पांडू, पांडू बताओ तुम्हें क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा सर, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा सर। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो मेरी बीवी की है सर। मार दूंगा इसे मैं, इसे मार दूंगा मैं सर। इसे मारने से तुम्हारी बीवी मिल जाएगी क्या? हाँ पांडू, भुवन सही कह रहा है। प्लीज मैडम, कैसे भी करके मेरी बीवी को बचा लीजिए मैडम। ठीक है, कहाँ आना है? कहाँ आना है तुम्हें उस्मान बता देगा। ठीक है, देखो गजलक्ष्मी राघव जी, प्लीज आप कोई भी बस पकड़कर बैंगलोर निकलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात समझो, इस कंडीशन में हमारे साथ आना सेफ नहीं है। अगर आप अभी नहीं गई तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हें हाँ। मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैसेज करने वाली लड़की ने क्या कहा बता देना, मैं पीछे मुड़े बिना चली जाऊंगी। यहाँ पर आग लगी हुई है, तुम उसमें घी डाल रही हो? चुपचाप जाओ, दोबारा मिलने पर बता दूंगा। अरे आप जिंदा बच के वापस आओगे नहीं, इसकी गारंटी नहीं है ना, तो अभी बता दो प्लीज प्लीज। 1 महीने के बाद मैंने उसे दोबारा मैसेज किया, नो रिप्लाई। कॉल किया, स्विच ऑफ था, इसीलिए उस बुक में एक एड्रेस था, तो मैंने वो बुक और मेरा एक लेटर उस बुक के साथ भेज दिया, लेकिन उसका रिप्लाई आया ही नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। हे राघव जी, बगल में हाईवे है, चली जाना।
खुली तू हो रटे हृदय तेरा ओ किसी पयना अर्ध के धरा सर बुक मैडम लगता है बुक यहाँ छोड़कर चली गई, यहीं पीछे सीट पर थी। ये तो वही बुक है, वो लड़की राघव ही है। मतलब मैंने जिसे पसंद किया था, मैसेज किया था, वो यही है, वो यही लड़की है। वापस क्यों आ गए? मैंने वो बुक वाली लड़की के बारे में झूठ बोला था। आपको पता है मैंने उस लड़की को मैसेज किया, उसे मिला भी। बाद में पता चला कि वो लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज और झूठी है। ऐसे कैसे? उसे एक बहुत बड़ी बीमारी थी, बात को छुपाना धोखा ही है ना। बीमारी? कौन सी बीमारी? भूलने की बीमारी, सेम आपकी तरह। तुमने अचानक से मैसेज करना छोड़ दिया। मैंने बहुत मैसेज किए थे। जब ये बुक आई थी मैं गांव में नहीं थी। 2 महीनों बाद मुझे ये बुक मिली। इसमें तुमने जो नंबर लिखा था उस पे मैंने बहुत बार कॉल किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। एक्चुअली बुक कुरियर करने के 1 महीने तक मैंने इंतजार किया, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैंने सिम कार्ड फेंक दिया। लेकिन वो अमेरिका का लड़का, 2 साल, वो सब ना झूठ था।
कभी तो सच बोलो यार। अमृता। What? मेरा असली नाम अमृता। तुमने जब अपनी लव स्टोरी बताई तभी मैं समझ गई थी कि वो लड़का तुम ही हो, पर मैं तुम्हें उल्लू बनाने के लिए चुप रही। तुम्हारे कार में बुक छोड़ने वाली मैं नहीं थी, मेरी फ्रेंड थी। ये लोकेशन जितना नजदीक आ रहा है, अच्छा बनने के चक्कर में बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं ऐसा लग रहा है। उतर के भाग जाऊं? जाने दो, आपके लिए नहीं तो मेरी जान के लिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अली भाई, आपकी अम्मी जान ठीक हो गई हैं? मेरी अम्मी जान बच गई? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरी अम्मी जान बच गई। अल्लाह के साथ उस भगवान को भी शुक्रिया करो भाई। अगर हमारे गांव के पुजारी के बेटे अपना खून नहीं दिया होता तो, और तुम्हारे सामने रहने वाले राम प्रसाद अगर सही समय पे पैसा नहीं भरे होते तो आपकी अम्मी जान नहीं बच पाती। हाँ भाई, आपकी अम्मी जान कह रही थी कि आप अल्लाह के नेक काम करने के लिए गए हुए हैं, उसे अधूरा मत छोड़ना, खत्म करके आना भाई। खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दो। तुम सब लोग जाओ। भाई ये ठीक नहीं है। तू चुप रह। बीच में जो भी आएगा उनका यही होगा। जाओ जाओ, मेरा इरादा बदलने से पहले निकल जाओ यहां से। जाओ जल्दी, जाओ जाओ जल्दी करो। उस्मान, ये सब अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारे साथ गद्दारी हो रही है, हम गलती कर रहे हैं। उस्मान इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, हम भी ये सब छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, गद्दारी हो रही है। उस्मान उस्मान मैडम, ये तो गया। अरे
और आखिर में ये सारे लोग, अल्ताफ का बनाया हुआ वीडियो वायरल हुआ और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता ये समाज को पता चला। और ये सच भी है क्योंकि आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। भुवन और राघवी, सॉरी गजलक्ष्मी, सॉरी अर्पिता, सॉरी अमृता एक हो गए। गौरीश ने आरती को अपनी बहन की हैसियत से अपनाया। पांडू को कार खरीदने के लिए पैसों से मदद की उसने। पिंटू का यह साहस का काम और उसमें जो बदलाव आया ये संध्या के जरिए पावनी के पिता को पता चला और उन्होंने उन दोनों के लव को अपनाकर शादी के लिए हाँ कर दी। और राघवी से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे एसआई का प्रमोशन भी हो गया।